मैं एक मसाज पार्लर में काम करता था जहां हट्टे कट्टे कम उम्र के मर्द रईस औरतों का मसाज करते थे। हमारी एक क्लाइंट के घर जो भी मसाज करने जाता अगले दिन वह गायब हो जाता था। जब राज का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मसाज करने वाला रातों रात करोड़पति बन जाता था। एक रोज मैं उसके घर गया तो मैं भी करोड़पति बन गया। मुझे रात की कोई भी बात याद नहीं थी। एक रोज मैं वहाँ छुप गया। मैंने जो देखा मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो मर्दों के साथ। मेरा नाम राहुल है। अस्पताल के बेड में बैठा हुआ जब मैं बाहर देख रहा था तो मैं अपनी पुरानी बातों में खो गया। आज मैं करोड़पति हूँ। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। बहुत ही बड़े अस्पताल में भर्ती हूँ। इन पैसों को कमाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और इसी वजह से आज मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ। अगर मैं लालच नहीं करता तो शायद अभी मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा होता। मैंने कॉलेज 19 साल की उम्र में शुरू किया था। मेरे पापा ने कॉलेज आने जाने के लिए मुझे एक बाइक खरीद कर दी। मेरे पापा अच्छी नौकरी करते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बाइक से कॉलेज जाने का मजा ही कुछ और है। मैं जिम जाकर बॉडी बना रखी थी। मैंने सोचा अब कॉलेज जाकर लड़कियों को इम्प्रेस करूंगा। जवानी का जोश भरा हुआ था मेरे अंदर। कॉलेज के पहले दिन वहाँ लड़कियों को देख कर तो मेरे होश ही उड़ गए। एक से एक अप्सरा, मेरी तो 3 साल मजे में कटेंगे। वहाँ पहुँचते ही लड़कियों को मैं अपनी बाइक और बॉडी से इम्प्रेस करने लगा। कुछ लड़कियां इम्प्रेस तो हुई, पर ज्यादातर लड़कियां पैसे वाले लड़कों के पीछे भागने वालों में से हैं। कॉलेज जाते ही मैंने 2 दोस्त बना लिए, रवि और विनोद। उन दोनों को भी जिम जाने का शौक था। मस्त बॉडी थी दोनों की। दोनों ही बहुत ही साधारण घर से थे, पर कुछ ही महीनों में मैंने देखा कि दोनों लड़कियों के पीछे काफी खर्च कर रहे हैं। इतने साधारण घर के होने के बावजूद उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, मैं हैरत में पड़ गया। जब वह पार्टी देते तो बिल वही दोनों दिया करते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया, यार तुम दोनों की तो कोई लॉटरी लग गई है क्या? मेरे पापा तो कॉलेज के लिए थोड़ा बहुत ही पैसे देते हैं, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? उन्होंने कहा, हम एक ऐसा काम करते हैं जहाँ मस्ती भी है और उड़ाने के लिए पैसे भी आ जाते हैं। उस रात घर जाकर मैं सोचने लगा, आखिर वह दोनों ऐसा क्या काम करते होंगे कि इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर मुझे भी ऐसा कुछ काम मिल जाए तो मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन कॉलेज जाकर मैं काफी उदास बैठा हुआ था। मेरे दोनों दोस्तों मेरे पास आकर बोले, यार क्या बात है, इतना चेहरे का 12 क्यों बजे हुए हैं तेरे? मैंने कहा, यार तुम दोनों बहुत लक्की हो, तुम्हें अच्छा काम मिल गया। काश मुझे भी ऐसा कुछ काम मिल जाए, मैं इस गरीबी वाली जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। उन दोनों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो चल आज हमारे साथ, अपनी मालकिन से तुझे मिलवा देंगे और वह तुझे कुछ न कुछ काम दे देगी। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है क्या, वैकेंसी है उसके पास? उसने कहा, वह मालकिन तो कॉलेज के यंग लड़कों को ही काम पर रखती है, उन्हें तो हट्टे कट्टे और ताकतवर लोग चाहिए इस काम के लिए। मैंने सोचा, लगता है पत्थर तोड़ने का काम होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर पत्थर तोड़कर पैसे मिल जाए तो मैं तोड़ने के लिए तैयार हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उन दोनों के साथ चल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ऊपर मसाज पार्लर लिखा हुआ है। मैं अंदर गया तो वहाँ एक 50 साल की औरत बैठी हुई थी। उसका नाम कुमुद है। उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। वह जगह बहुत ही छोटी थी। मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ किसका मसाज करना है। मसाज करने के लिए तो कोई जगह बनी ही नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि यार किसका मसाज करना है, यहाँ तो कोई मसाज रूम है ही नहीं और मुझे तो मसाज उस तरह से आता भी नहीं। उसने कहा, तुझे सब आ जाएगा दोस्त, हमारे पास क्लाइंट का कॉल आता है और हमें उसके घर में जाकर मसाज करना होता है। मसाज करने का सामान तुझे यहीं से मिल जाएगा। तभी कुमुद मेरे पास आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम समझा दूं, हम क्लाइंट को लड़कों के फोटो भेजते हैं, उन्हें जो फोटो पसंद आती है उस बंदे को उनका मसाज के लिए जाना पड़ता है। यह बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है। तुम्हें क्लाइंट जो जो बोले तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा। मैं अजीब सी शक्ल बनाकर जब उनकी ओर देखा तो उन्होंने कहा, मसाज या फिर उससे अधिक कुछ भी, बस क्लाइंट को खुश करना है। तुम महीने में जितना काम करोगे उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे। मेरे दोस्तों ने बताया कि ज्यादातर औरतें बहुत ही रईस घर से संबंध रखती है। मुंबई की अमीर औरतें जिनके पति के पास उनके लिए समय नहीं होता है, वह हमें बुलाकर मसाज करवा
करवाती है। मैंने कहा, यार किसी मुसीबत में कभी पड़ न गए तो? उन्होंने कहा, यार यह बिजनेस सालों से चल रहा है, तू घबरा मत। उस दिन कुमुद ने मुझे एड्रेस दिया और कहा, यहाँ जाकर तुम्हें मसाज करना है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक 35 साल की औरत ने दरवाजा खोला, सर से पांव तक खूबसूरत थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैंने कहा, इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। काम खत्म कर मैं घर आ गया। अब मेरे पास पैसे आने लगे थे, मैं बहुत ही खुश था। अब मैं उन पैसों को कॉलेज में खर्च किया करता था और लड़कियां काफ़ी इम्प्रेस होती थी। मैंने सोचा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा कमाई कर लूँगा। हालांकि कभी कभी मुझे डर सताता था कि मेरे घर वालों को अगर इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन मेरे पिता के ऑफिस पार्टी में हम सबको जाना था। जब हम उस पार्टी में पहुंचे तो मेरे पिता ने अपने बॉस और उनकी बीबी से हमें मिलवाया। उनकी बीबी को देखकर ही मैं चौंक गया, यह तो मेरी क्लाइंट रह चुकी है, यह वही 35 साल की खूबसूरत औरत है। जब मैं उसके पति को देखा, वह काफ़ी हैंडसम है, आखिर अपने पति को छोड़कर मसाज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई इसे। उसने मुझे देखकर एक कातिल मुस्कुराहट दी। मुझे बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। मुझे यह डर सताने लगा कि भविष्य में भी ऐसी क्लाइंट मुझे मिलते रहेंगे। और तभी वह औरत मेरे पास आई और कही, कल आ जाना तुम, मैं कुमुद से बात कर लूंगी। यह सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त रवि गायब हो गया। हम हैरान रह गए कि आखिर वह गया कहाँ, न कॉलेज आया न काम पर आया। हमने मसाज पार्लर में पता लगाया तो कल वह एक औरत के घर काम पर गया था, उसके बाद काम पर भी नहीं आया। मैं और विनोद बहुत ही हैरत में थे। हमने उसे कॉल करने की कोशिश की, पर उसने हमारा फोन नहीं उठाया। मसाज पार्लर से लड़के गायब होने लगे। मुझे लगा, यह लड़के गायब कहाँ हो जाते हैं, कहीं पुलिस तो नहीं पकड़ कर ले जा रही है। मैं और विनोद बहुत ही डर गए थे। जब हमने पार्लर में पता लगवाया तो पता लगा सारे लोग कोमोलिनी नाम के एक औरत के पास मसाज करने गए थे, फिर कोई भी लौट कर काम पर नहीं आया। कहीं कोमोलिनी पुलिस में तो नहीं, या उन सबका कत्ल कर दिया हो। एक दिन मैं और विनोद मॉल गए हुए थे। वहाँ एक बहुत ही कीमती गाड़ी आकर खड़ी हो गई। हमने देखा गाड़ी रवि चला रहा है। यह देखते ही हमें बहुत ही हैरत हुई। हम उसके पास गए और कहा, अरे तू कहाँ चला गया था और यह गाड़ी तुझे कहाँ से मिल गई। उसने कहा, यार मेरी तो किस्मत बदल गई है, मैं एक क्लाइंट के घर काम करने गया था और उसने काम के बदले मुझे करोड़ों रुपये दिए हैं, मैं तो रातों रात करोड़पति बन गया। हमें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यानी मसाज पार्लर से जितने भी लड़के उनके पास गए होंगे, सारे के सारे लड़के करोड़पति बन गए हैं। हम दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि कब वह हमें बुलाएगी और हम भी करोड़पति बन जाएंगे। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आखिर करोड़ों रुपए के बदले में कौन सी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस उम्र में तो बस पैसे का ही नशा होता है। पर जल्दी ही मेरी किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि कोमोलिनी ने आज मुझे बुलाया है। मैं भी आज रात करोड़पति बनने वाला हूँ। मैंने लिया था कि मैं उन पैसे से क्या क्या खरीदूंगा। मैंने अच्छे कपड़े पहने और चेहरे में कातिल मुस्कान लिए उनके घर गया। घर का बिल बजते ही उन्होंने दरवाजा खोला। फाइल के हिसाब से उनकी उम्र 50 साल की थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, औरत को खुशी तो करना है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। उसकी तरफ देखते ही मैं चौंक गया, वह 50 साल की लग ही नहीं रही थी। एक सेक्सी सी लाल साड़ी पहनी हुई थी, उसकी उम्र तो 19 साल की लग रही थी। या तो उसने अपना उम्र झूठ बताया होगा, या तो जवान होने की कोई दवाई ली होगी। कई बार क्लाइंट अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए झूठी डिटेल्स देते हैं। उसको देखते ही मैं तो बहुत ही खुश हो गया। इतनी जवान और हसीन लड़की का मसाज करना है आज मुझे। वह मुझे अपने बेडरूम में लेकर गई। उसके बेड के ऊपर फूल बिछे हुए थे। उसने कहा, तुम तैयार हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ही तैयार हूँ, तुमको देखते ही मैं तैयार हो गया था। उसने कातिल मुस्कुराहट दी और कहा, अपने कपड़े उतार कर इस हैंगर में रख दो और बिना कपड़ों में बेड पर बैठ जाओ। मेरे तो दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई थी। इस लड़की को तो मैं अपनी दुल्हन भी बनाने को तैयार हूँ, इतनी मस्त है यह। यह अपने कमरे से बाहर गई। मैंने वही किया जो उसने मुझे करने को कहा था। मैं बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहा था। पता नहीं आँख कब लग गई। जब सुबह हुई तो मैं बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैं उठकर अपने कपड़े पहने और फ्रेश हो लिया। तभी वह मेरे कमरे में आई। वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आखिर रात की बातें मुझे याद क्यों नहीं है? कहीं उसने मुझे नशे की कोई चीज तो नहीं दे दी थी? उसने मुझे करोड़ों रुपए का चेक दिया
और कहा जाओ ऐश करो। मैं वहाँ से निकल गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं करोड़पति बन चुका हूँ, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी कि आखिर रात में हम दोनों के बीच में हुआ क्या। काश मुझे याद रहता। थोड़ा बहुत नशा तो मैं करता हूँ, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं बात भूल जाऊँ। मैं कॉलेज छोड़ दिया। अब जब इतने पैसे आ ही गए हैं तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पर घर जाकर अचानक ही मेरी तबीयत खराब लगने लगी। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मेरे पिता को काम छोड़कर घर आना पड़ा। वह मुझे देखकर बहुत ही हैरत में पड़ गए। पूछा, कोई नशे की चीज़ तो नहीं ली, रात को तू कहाँ था। मैंने अपने पापा से बोल दिया कि मैं विनोद के घर था और पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिता मुझे फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरी तबीयत इतनी ही खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने ढेर सारे टेस्ट दिए, पर मैं टेस्ट करवाने की हालत में भी नहीं था। मेरे पिता ने कहा इसे एडमिट कर लो। उन्होंने मुझे अस्पताल में एडमिट कर लिया और जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी तो उनके मुँह से चीख निकल गई। ऐसा लगा कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वह हमारे फैमिली डॉक्टर है। अभी कुछ ही महीने पहले मैंने अपने सारे टेस्ट उनके पास करवाए थे। उन्हें देखकर कहा था तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो, आज अचानक क्या हो गया। उन्होंने कहा आपका बेटा तो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इन 2-3 महीने में ऐसा क्या क्या इसने कि हालत इतनी बुरी हो गई। अभी कुछ ही महीने पहले मेरे हाथ में चोट लगी थी, तब मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने उस वक्त मेरे सारे रूटीन टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर ने कहा जिस जगह पर चोट लगी है वहाँ तो कैंसर हो गया है। यह सुनते ही हमें यकीन ही नहीं हो रहा था, 3 महीने के अंदर कैंसर कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा इससे भी हैरत की भरी बात यह है कि यह कैंसर 4th स्टेज में है, इसके पास जीने के लिए चंद महीने ही बचे हुए हैं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना कि इतनी जल्दी कैंसर फैल जाता है। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अभी अभी तो मैं करोड़पति बना था और अभी अचानक से कैंसर कैसे हो गया। डॉक्टर ने मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाने को कहा। मैं घर आ गया, पर अब मुझे शक होने लगा कि उस रात को उस औरत ने ऐसा मेरे साथ क्या किया कि एक रात में ही मुझे कैंसर हो गया। घर पर उदासी का माहौल छा गया। मेरे माता पिता और 2 बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह करोड़ों रुपए का चेक अब मेरे पास वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। भी मेरे दोस्त रवि का फोन आया। उसने कहा यार आज शाम तुझे और विनोद को पार्टी दूंगा और तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो, तू भी तो करोड़पति बन गया ना। मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा चलकर पता लगाता हूँ कि रवि को भी क्या किसी तरह की बीमारी हो गई है पैसे मिलने के बाद। जब मैं शाम को दोस्तों से मिला तो रवि को देखकर मैं हैरत में रह गया। उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल ही पहले की तरह था, बल्कि और भी अच्छी और कीमती कपड़े पहनकर बहुत ज़्यादा चमक रहा था। तो फिर अचानक मुझे यह बीमारी क्यों लगी। डॉक्टर को भी मेरे रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त विनोद बहुत उदास था। उसने कहा यार मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब करोड़पति बनूंगा, तुम दोनों का तो अच्छा है, अब यह काम नहीं करना पड़ेगा। पर मुझे तो यह काम इस उम्मीद में करना होगा कि कब मुझे कोमलिनी अपने पास बुलाए। मैं रवि से पूछा कि तुम्हें उस रात की कोई बात याद है क्या। वह मेरी तरफ अजीब नजर से घूरने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लगता है रवि को सारी बातें याद है, फिर मेरे साथ ही कुछ गलत किया होगा। रवि ने कहा नहीं मुझे उस रात की कुछ भी बातें याद नहीं है, बस मैं उसके घर गया था यहाँ तक याद है, और मैं उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बाद मेरी सारी यादें मिट चुकी है। मैंने कहा तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था। रवि बोला मैं सोच रहा था कि तुझे भी उस रात के बारे में कोई बात याद नहीं। मैंने कहा नहीं। मैं विनोद से कहा यार मुझे तेरी एक मदद चाहिए, अगर कोमलिनी तुझे बुलाए तो मुझे एक बार कॉल करके बताना। वह बोला क्यों भाई, उसने तो तुझे पैसे दे दिए हैं, अब क्या चाहिए तुझे। मैंने कहा मैं उसके पैसे लौटाना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा तू पागल हो गया है क्या, इतना पैसा तो वापस करेगा उसको। मैंने कहा मुझे कुछ शक हुसा हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा यार इतने पैसे मिल गए हैं तो आराम कर, कोमलिनी का फ़ोन आया तो मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि हम तीनों फिर करोड़पति बन जाएंगे। पार्टी के बाद मैं अपने घर चला गया, पर मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी और मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि मुझे रात की कोई बात याद
याद नहीं और सुबह उठते ही मुझे कैंसर का पता चला। जब मैं उसके घर गया था तो मैं बिल्कुल ही ठीक था। मुझे हर हाल में अब राज का पता लगाना था। मैं रोज विनोद को फोन करने लगा और उससे पूछने लगा कि कोमोलिन ने बुलाया क्या। वह हर बार ही यही कहता कि पता नहीं मेरा नसीब कब खुलेगा। एक दिन विनोद का फोन आया। मैंने फोन उठाया तो उसने कहा, यार मेरी किस्मत बदलने वाली है, कोमोलिनी का फोन आया था। आज रात मैं उसके घर जा रहा हूँ। तूने उसके पैसे इस्तेमाल किए या अभी भी उसे वापस करने की सोच रहा है? मैंने कहा, पैसे अभी भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, पर तू जा और ऐश कर। मैंने सोच लिया था आज रात पता लगा कर रहूंगा। मैं उसके घर गया और उसके बेडरूम में जाकर छुप गया। उसके घर में कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ था। शायद कुछ गलत कर रही होगी, तभी इतनी रईस होने के बाद भी घर पर सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगाया था। घर भी बहुत बड़ा था। मुंबई में तो ज़्यादातर क्लाइंट के पास बड़े बड़े फ्लैट होते हैं। पहली बार ही था इतने बड़े बंगले में गया था। अचानक ही दरवाज़ा खोलने की आहट आई। मेरे दोस्त विनोद कमरे के अंदर आ चुका था। वह बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। उस औरत ने उसे कातिलाना मुस्कान दी और कहा, तुम कपड़े उतार कर बिस्तर में बैठ जाओ। मेरे दोस्त बिल्कुल ही जोश में था। वह कमरे से चली गई तो मेरे दोस्त ने कपड़े उतार कर बिस्तर पर बैठ गया और बार बार यही कह रहा था, आज तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। मुझे भी बस यहीं तक की बात याद थी। मैंने सोचा कि मैं भी इस कमरे में हूँ, मैं फिर से रात की बात भूल जाऊँ तो। इसलिए मैंने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर दिया और कमरे में अब जो भी होगा उसका वीडियो बना लूँगा। तभी वह औरत कमरे में आई। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी, कमाल की खूबसूरत लग रही थी। आते ही उसने एक स्विच दबाया, कमरे में हल्का सा धुआं होने लगा। वह मेरे दोस्त के पास आई। जब मैं अपने दोस्त को देखा तो मैं चौंक उठा। मेरा दोस्त होश में तो था, पर उसकी आंखें और चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग कहीं और है, यानी वह जीता जागता पुतला बन चुका था। तभी उस औरत ने कहा, तुम तैयार हो ना? दोस्त ने हाँ में सिर हिलाई। उसने कहा, तो यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, इसमें लिखा हुआ है कि आज रात के बदले मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगी और इसके बदले में तुम मुझे अपनी ज़िंदगी के 5 साल दोगे। मेरे दोस्त ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। पता नहीं उसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ भी आया या नहीं। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम अपनी ज़िंदगी के 5 साल की उम्र बेच रहे हैं और बदले में वह हमें करोड़ों रुपये दे रही है। यहाँ से निकलते ही मुझे कैंसर हो गया। मैं कुछ ही महीने में मर जाऊँगा, यानी मेरे पास इतनी ही जिंदगी बची हुई थी। मैं और कुछ सालों के अंदर मर जाता। उसने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वह औरत कुछ तंत्र मंत्र करने लगी। 1 घंटे के बाद वह खड़ी हुई और हंसने लगी और कमरे के बाहर निकल गई। मैं उस कमरे में ही छुपा रहा। जब सुबह हुई तो मेरे दोस्त की नींद खुल गई। वह अपने कपड़े पहन लिया। तभी वह औरत कपड़े में आई और उसने एक चेक मेरे दोस्त के हाथों में थमा दिया। मेरे दोस्त ने भी बहुत ही हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे रात की बातें तो याद ही नहीं होगी। उसे पता ही नहीं चला कि आखिर वह औरत किस बात के इतने पैसे दे रही है। मेरा दोस्त पैसा लेते ही उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। उसके जाते ही मैं उस औरत के पास पहुंच गया। वह मुझे देखकर चौंक गई और कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पैसे वापस देने आया हूं। वह हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा, बस मेरे 5 साल की आयु मुझे वापस कर दो। वह चौंक गई। उसने कहा, तुम्हें रात की बातें याद है? मैंने कहा, नहीं मुझे याद नहीं, पर कल रात जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा, इतने पैसे लेने के बाद आज तक कभी कोई वापस नहीं आया। तुम 80-90 साल तक जियोगे, 5 साल के बदले मैंने करोड़ रुपए दिए हैं, तुम बाकी की जिंदगी ऐश करोगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास तो अब जिंदगी बची ही नहीं है। वह चौंक गई और कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, यहां से निकलते ही मैं बीमार पड़ गया और मुझे पता चला कि मेरे पास अब चंद महीने ही बचे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 5 साल मुझे वापस कर दो, वरना मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा। उसने कहा, यह संभव नहीं है, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार आयु देने के बाद वह वापस कभी भी नहीं हो सकती। मैंने कहा, तुम्हारा चेक वैसा का वैसा रखा हुआ है, मैं उसे तुम्हें वापस कर दूंगा, बस मेरे 5 साल वापस कर दो और उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो। उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसका तोड़ नहीं मालूम है। इतने सालों में आज पहली बार अपनी आयु वापस मांगने आया है। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 200 साल। मैंने कहा, तुम 200 साल से जीवित हो और ना जाने कितनी साल जिंदा रहोगी, तो 5 साल वापस कर दोगी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा।
उसने कहा, काश मैं तुम्हारी आयु वापस कर पाती तो मैं कर देती, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत आयु बची हुई है। मैं और भी आयु ले लूंगी, लेकिन मुझे इसका तोड़ नहीं मालूम है। एक बार जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और मैं मंत्र पढ़ दिया तो वापस नहीं किया जा सकता। मुझे माफ कर दो। अब तुम यही कर सकते हो कि जितने भी पैसे तुम्हें मिले हैं तुम अपने परिवार को दे दो, ताकि तुम्हें मरने के बाद वह आराम से जिंदगी जी पाए। अब मुझे उस औरत पर गुस्सा आने लगा दो सौ साल से वह जिंदा है और कितना जीना चाहती है। आज इसी की वजह से मैं मर रहा हूँ, वह भी इतनी कम उम्र में, बस 19 साल का हूँ। मैं अपने साथ एक चाकू लेकर आया था ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकूँ। मैं उस चाकू को निकाल कर अचानक ही उस औरत के सीने पर वार किया। चाकू उसके दिल के अंदर चला गया। वह औरत वहीं पर गिर गई। अचानक ही उसकी उम्र बढ़ने लगी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह एकदम बूढ़ी हो गई और फिर वह सूखने लगी। सूखते सूखते वह बिल्कुल ही खत्म हो गई। वह गायब हो चुकी थी। मैं खुश हो गया। मुझे लगा जादू का उल्टा मैंने कर दिया है। इसे मारकर मैंने उसकी आयु छीन ली है और अपनी आयु वापस पा ली है। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। खुशी खुशी घर लौट गया। घर पहुंचते ही मैंने देखा घर में मातम का माहौल है। आज मुझे कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल में जाना है। मैं जाने के लिए बेताब था, क्योंकि मुझे पता लगाना था कि आखिर जादू का असर उल्टा हुआ या नहीं। मेरे अस्पताल पहुंचने के बाद मेरा टेस्ट होने लगा। अस्पताल के अंदर जाकर मुझे अचानक ही तबीयत खराब महसूस होने लगी। मशीनों की आवाज से मुझे चक्कर आने लगा। तभी डॉक्टर मेरे कमरे में आए। मेरे पिता रोते हुए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। अब इसका कोई भी इलाज नहीं है, बस हम इसके दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके पास तो चंद महीने ही बचे हुए हैं। डॉक्टर की आवाज धीरे धीरे मेरे कानों तक आई तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। जादू का असर उल्टा नहीं हो पाया था। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी बचे हुए कुछ महीने घर पर ही बिताना चाहता हूँ। मैं इस अस्पताल में नहीं रह पाऊंगा पापा, क्योंकि मैं यहाँ और ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मेरे पिता मुझे घर लेकर आए। डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। अगली रात मैं फिर से कोमोलिनी के घर गया। मैं अपने बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहता था। मैंने उसका पूरा घर छान मारा, पर मुझे उसके घर में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कुछ मदद हो सके। अचानक ही मैंने देखा उसके घर में एक बेसमेंट है। जब मैं वहां गया और चीज तलाश करने लगा, मुझे वहां एक जगह हम सबके कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। मैं उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट ढूंढा और अब मैं उसे पढ़ने लगा। उसे पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। मैं खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। पैसे के बदले मैं अपने 5 साल की आयु उसे दे दी और अब मर रहा हूँ। काश मैं इस धंधे में आता ही नहीं। अचानक ही एक अलमारी में ढेर सारी किताबें मिली। मैं एक एक करके किताबों को ढूंढने लगा। तभी मुझे एक काली किताब मिली। उस किताब में आयु चुराने के तरीके लिखे हुए थे। साफ साफ लिखा हुआ था कि आयु चुराने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकता। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं दूसरों से आयु चुराना होगा, ताकि मैं कुछ साल और जी सकूं, मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। मैं घर चला गया। अगली सुबह मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। रविवार का दिन था। मेरे माता पिता दोनों बहन घर पर ही थे। मैं सोच लिया था कि मैं इनसे 5-5 साल लूंगा और 20 साल जीवित रह पाऊंगा। मैं उन लोगों से कहा, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं सबको देना चाहता हूँ, तुम लोग इस कागज में साइन कर दो। सब हैरत में पड़ गए। सब सोचने लगे, मेरे पास पैसे है ही कहाँ। मैंने कहा, सोच लो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स बिना पढ़े ही साइन कर दिया। उन लोगों को मुझ पर विश्वास था, साथ ही उन्हें लगा कि मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए यह सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के मैं अपने कमरे में चला गया और मंत्र पढ़ने लगा। पूरा मंत्र पढ़ने के बाद मैंने अपने परिवार को अपने सारे पैसे दे दिए। मेरे पास इतने पैसे देखकर वह हैरत में पड़ गए और कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा, मेरी एक लॉटरी लगी है। पर इस पर मेरे पिता ने कहा, इसे किस्मत कहते हैं, तुम इतनी बड़ी लॉटरी मिली और उसके बदले में अब तुम हमें छोड़कर जाने वाले हो। मैंने अपने पापा से कहा कि हम एक बार और ये सारे टेस्ट करवाते हैं, शायद डॉक्टर को कुछ उम्मीद नजर आए। मेरे घर वाले मान गए, क्योंकि अब उनके पास ढेर सारे पैसे थे। जब उन्होंने दोबारा मेरा टेस्ट करवाया तो डॉक्टर बहुत ही हैरत में पड़ गए। उन्होंने मेरे पिता से कहा, आपका बेटा कैंसर से लड़ रहा है, वह 4th स्टेज में था, पर इस रिपोर्ट के हिसाब से वह 2nd स्टेज में है। उसका इलाज संभव है, वह बच जाएगा। सारी जिंदगी उसे कैंसर की दवाई खानी पड़ेगी और बीच बीच में टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेरे पिता को मानो डॉक्टर
डॉक्टर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी से वह रोने लगे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है, वो तू है बेटा। अस्पताल से निकलने के बाद मैं कोमलिनी के घर पर गया और उसकी सारी किताबें जला दी। 20 साल की आयु काफ़ी है, मैं कोमलिनी की तरह 200 साल तक जिंदा नहीं रहना चाहता। वैसे भी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपने परिवार वालों से 5-5 साल चुराए हैं। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसी जगह छुपा दिया कि कभी किसी के हाथ न लगे। मुझे पता है 20 सालों के बाद मैं मर जाऊंगा, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी साल मैं जिंदा रहूंगा मैं नेक काम करूंगा, क्योंकि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं।